9 बजे की 9 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। सिक्किम में सत्ताधारी पार्टी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 32 में से 31 सीट जीतकर फिर से सरकार बनाने जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार को तिहाड़ जेल जाने से पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिले। उन्होंने कहा, मैं देश को बचाने के लिए जेल जा रहा हूँ। एग्जिट पोल में तीसरी बार मोदी सरकार आने वाली है। 13 एग्जिट पोल के पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को 165 और इंडिया को 145 सीटें मिलने का अनुमान है। पुणे पोर्शे केस में आरोपी नाबालिग ने पुलिस की पूछताछ में मान लिया कि घटना की रात वह बहुत नशे में था, उसे हादसे के बारे में कुछ याद नहीं है। वहीं माता पिता 5 जून तक हिरासत में है। भोपाल के ईंटखेड़ी में एक महिला की सनसनी हत्या का खुलासा हुआ है। जहां पत्नी ने बेटी की मौत की गलती नहीं मानी तो पति ने पहले तो उसे जलाया, फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इंदौर में पिछले हफ्ते पत्रकार पर जानलेवा हमला किया गया। उसके बाद पत्रकारों ने वकीलों, जनप्रतिनिधियों और आम लोगों के साथ मिलकर मौन जुलूस निकाला और पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। माता पिता की लड़ाई से परेशान होकर घर से भागकर ग्वालियर आई मुंबई की 3 बहनें और उसका एक भाई लापता हो गए हैं। बच्चे पंजाब मेल ट्रेन के जरिए ग्वालियर आए थे और यहां से गायब हो गए। एक्ट्रेस रवीना टंडन के सड़क पर मारपीट मामले में दोनों पक्षों में समझौता हो गया है। एक शख्स ने एक्ट्रेस पर नशे में बुजुर्ग से मारपीट करने का आरोप लगाया था। देश के कई राज्यों में हीट वेव का असर कम होने लगा है। प्री मानसून बारिश से तापमान में कमी आई है। वहीं 27 राज्यों में बारिश की संभावना है। आज की खबरों में इतना ही। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सुनते रहिए नेशन मिरर।